मजबूत करेंगे। और अंत में आपको यही कहूंगा कि जो बदलते वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं, हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पे, जो खुद चक्कू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। कमर कस ली तो सभी भाइयों से बहनों से मेरा तो एक ही निवेदन है कि जो भी आपकी टीम बनी है उस टीम के साथ में कमेटी बनी है, उस कमेटी के साथ में मिलके मजबूती के साथ में जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाए, जब तक आप नहीं हटोगे, और पुलिस अगर आपके साथ में किसी प्रकार का बर्ताव करेगी तो सबसे पहले पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठने के लिए हम तैयार हैं। हम आप लोगों के बीच में हाजिर रहेंगे। यही मेरी मंशा है, क्योंकि युवाओं की आवाज को मैं भली भांति जानता हूं, इसीलिए इतनी बातें मैं आप लोगों के लिए कहा हूं। शाम का समय, परमपिता परमेश्वर आपकी रक्षा करे और आपकी मांग को आरपीएससी सरकार जो एक युवाओं के नाम के ऊपर राजस्थान के अंदर आई है, मैं तो चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो मगर युवाओं की बात जहां पे आए, बढ़ती प्रगति की बात जहां पे आए, उसको समय से सोचना नहीं चाहिए। ये बात सोचने की नहीं है, जिसने एक समय एक महीने का समय दिया वो हो सकता है दो या तीन महीने का भी दे सकते हैं। इसलिए आप संघर्ष करोगे, आपको न्याय मिलेगी। आप लोगों ने मेरे को बुलाया, मान सम्मान दिया, और राजनीति के शिखर के अंदर मैं भी चुनाव हारने के बाद में थोड़ा बहुत सहला गया था, मगर आज आप लोगों के बीच में आके मेरे को ये लगा कि युवा शक्ति जिंदा है तो हिंदुस्तान है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी हर संघर्ष की राह के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। अरे भाई पीछे हट जाओ यार, इधर बैठ सारे खड़े यार, इधर बैठ रहे। अरे भाई ये जो पीछे खड़े हो जरा के बैठ जाए, सरदार खड़े यार आगे बैठ जाए। मर गया क्या जिंदा है तो ऊंचा बोल, अल्लाह बोल अल्लाह बोल। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये 40 दिन तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 40 दिन तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये 4 महीना टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। पूरा पूरा टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। अरे टाइम दो,